नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर हाजिर हैं। आप जानते हैं इस चैनल में हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम प्रतिदिन एक उपाय भी डालते हैं, आपको उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि उपाय में आपको बताया जाता है कि आज कैसा दान किया जाए जिससे आपका परमार्थ सुधरे और साथ ही साथ ग्रह भी सुधरे। उसी के साथ आपको राहु काल बताया जाता है, अभिजीत मुहूर्त और दुष्ट मुहूर्त भी बताए जाते हैं। अपने इस चैनल में हम बहुत जल्द रेकी से संबंधित वीडियो शुरू करने वाले हैं। उसी के साथ एक्यूप्रेशर और आपकी हेल्थ समस्याओं के साथ जुड़ी समस्याओं का निवारण भी करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम आने वाले समय में आपको बताएंगे कि भगवान को कैसे पाया जाए, परमात्मा की शक्तियाँ हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, उनको कैसे ग्रहण किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। 18 फरवरी 2020 का उपाय अब मैं आपको बता रहा हूँ। 18 फरवरी 2020 को मंगलवार है और मंगलवार के दिन आपको चाहिए कि आप पीले रंग की मिठाई या गुड़ किसी को दान कर दें। इससे आपको विशेष ऊर्जा मिलेगी, विशेष लाभ मिलेगा। और साथ में क्या करना है, एक चपाती बनाएं और चपाती को सरसों के तेल से चौपड़ दें। सरसों के तेल से चुपड़ कर या तो आप उसको दान करें या फिर आप किसी मंदिर में दे दें। अच्छी तरह से समझिए, एक चपाती बनाएंगे, सरसों के तेल से उसको चुपड़ देंगे, जैसे घी लगाते हैं वैसे सरसों का तेल, उसके ऊपर गुड़ रख देंगे और फिर वह चाहे आप किसी कुत्ते को दे दें, चाहे किसी गाय को खिला दें, चाहे किसी मंदिर में दे दें, चाहे किसी गरीब को दे दें, चाहे जल प्रवाह कर दें। इससे आपको बहुत अधिक ऊर्जा मिलेगी, बहुत अधिक शक्ति मिलेगी। याद रखिएगा, शिवरात्रि आ रही है तो मैंने बताया है कि पारद शिवलिंग अभी मंत्रित आप अपने निवास पर रख सकते हैं, जो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। पारद शिवलिंग हमारे संस्थान से भी मंगवा सकते हैं, उसकी वीडियो हमने डाली है, वो आप देखिए कैसे आप तैयार करेंगे। आप खुद नहीं तैयार कर सकते, हमारे संस्थान से मंगवाइए, हम आपको भेजेंगे। इसी के साथ मैंने बताया है कि तीन वस्तुएं यदि आप अपने निवास पर ले आएं तो आपको बहुत अधिक शक्तियां मिलेंगी शिवरात्रि के दिन। वो वीडियो भी डाला है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ मैंने बताया है कि शिवरात्रि से लेकर 5 दिन तक कैसे आप शक्तियां अपनी ओर खींच सकते हैं, अपने दुश्मनों से मुक्ति पा सकते हैं, कर्ज मुक्ति पा सकते हैं, उसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो डाला है, वो भी जरूर देखेगा। तो अब हम बात करेंगे राहु काल की। आज का राहु काल 3:24 से 4:48 तक दोपहर के 3:24 PM टू 4:48 PM, अभिजीत मुहूर्त 12:12 PM टू 12:57 PM, दुष्ट मुहूर्त दो रहेंगे 9:12 9:57 सुबह के। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा, यदि आपको कोई समस्या है जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है, वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय ज़रूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि
जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए। ओ।